ये तो सब जानते ही हैं कि भारत में रहने के साथ साथ टैक्स पे करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन क्या हो अगर हमें ऐसा कह दिया जाए कि आपको टैक्स नहीं पे करना, या फिर ये कह दिया जाए कि आपका टैक्स माफ हो गया है। फिर जरा सोच के देखिए कि टैक्स पे करने वाली राशि की कितनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। खैर ये तो अजम्पशन का पार्ट है, लेकिन ऐसा सच में भी होता है। दरअसल भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी इनकम एक विशिष्ट सीमा से ऊपर है, उस व्यक्ति को इनकम टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है। साल 2023 आम बजट के अनुसार देश में फिलहाल दो तरह के टैक्स रिजीम है। इसमें एक पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए की इनकम पर किसी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त होता है। ये तो हो गई टैक्स रिजीम की बात। अब उस राज्य के बारे में जानते हैं जहां के नागरिकों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, और वो राज्य है सिक्किम। दरअसल देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सिक्किम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर में जाना जाता है। इस राज्य के निवासी इनकम टैक्स का भुगतान करने से मुक्त हैं। इस राज्य के करीब 95% निवासियों को 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब इस राज्य का भारत संघ में मेल हुआ तो सिक्किम के मूल निवासियों को साल 1961 में आयकर अधिनियम की धारा 10(26)(AAA) के तहत इनकम टैक्स से छूट हासिल हुई। साथ ही पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 371(a) के तहत स्पेशल स्टेटस मिला है, जिस वजह से पूर्वोत्तर के कई सारे राज्यों में दूसरे राज्यों के लोगों की प्रॉपर्टीज खरीदने पर पाबंदी लगी हुई है और टैक्स के भुगतान ना करने की अनुमति भी है।